हम नहीं देख पाए। आर्यन पुंडीर है, मैंने क्लास 12th की है अभी 87% के साथ, जिसमें मेरे फिजिक्स में 95 मार्क्स आए हैं और मैथ्स में 90। और इस सब का क्रेडिट मैं रजत सर को देना चाहूँगा, जो अगस्त्य कोचिंग में उन्होंने एक साल मेरी कोचिंग करवाई है 12th क्लास में, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सलोनी है और मैं आशा मोड़ इंटरनेशनल स्कूल की स्टूडेंट हूँ। मैंने 10th CBSE बोर्ड में 98.4% स्कोर किया है और सबसे पहले तो उसका क्रेडिट मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी, मतलब वो मेरे बैकबोन रहे हैं स्टार्टिंग से। उसके बाद स्कूल को, मेरे जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं स्पेशली पायल मैम, एंड उसके बाद तो रजत सर का बहुत बड़ा रोल रहा है। आई मीन मैथ्स और साइंस में उन्होंने जो मुझे कोचिंग दिया, मतलब कुछ भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है मुझे। तो यहाँ सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेल्फ स्टडी पर फोकस करना चाहिए। और बस अगर कुछ कंसेप्ट नहीं समझ में आता है तो उसको बार बार रिपीट करो, जिससे कि एक बार आपके माइंड में सेट हो जाए वो, उसको बैग मतलब कुछ बैकलॉग्स मत छोड़ो बस। टाइम मैनेजमेंट तो सबका अलग अलग होता है, तो मेरे एटलीस्ट 10 to 12 आवर्स मेरे स्टडीज़ को गए हैं सेल्फ स्टडीज़ में, 3 to। और हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो अपने आप को सबको मैनेज करना पड़ेगा। डीमोटिवेट होता है, कई फेस नेगेटिव फेस आते हैं लाइफ में, कई बार आए होंगे आपके, तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे उस टाइम पे, किस टाइप का मोटिवेशन चाहिए उस टाइम? जैसे जब कभी भी मेरा ऐसा होता था कि मैं डीमोटिवेटेड हूँ या मुझे नहीं लगता नहीं हो पाएगा, तो मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी या मेरे ऐसे फ्रेंड्स से जिन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है, तो मैं उनसे बात किया करती थी। एक मेंटोर की क्या भूमिका रहती है हमारी लाइफ में और एक अच्छे मार्क्स लाने वाली जर्नी? मेंटोर की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है, बिकॉज वही आपको सपोर्ट करते हैं, वही आपको एनकरेज करते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो या दे आर बैकबोन आर सक्सेस। मेरा नाम दीक्षा है, मैं क्लास 12th में मैंने 87% प्राप्त किया है। इसका क्रेडिट मैं रजत सर को और अपने पेरेंट्स को देना चाहती हूँ। ये मेरी बेटी है सलोनी सैनी, ये आशा मॉडर्न इंटरनेशनल की स्टूडेंट है और इसने बचपन से ही आशा मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल में अच्छे मार्क्स से परीक्षा जो है प्राप्त वो उत्तीर्ण की है। और इसने इस बार जो है CBSE में जो 10th की क्लासेस हुई हैं उसमें इसने 98.4% ला के CBSE जो डिस्ट्रिक्ट टॉपर है उसमें इसने सेकंड रैंक जो है हासिल की है। इसका पूरा जो क्रेडिट है वो स्कूल के टीचर्स, स्टाफ और स्पेशली डायरेक्टर भव्य सर जी और सभी को देता है, दिया जाता है। नमस्ते, मेरा नाम मिंटो सैनी है और ये मेरी बिटिया है सलोनी सैनी। ये बचपन से बहुत इंटेलिजेंट है, ये अपना काम बहुत ईमानदारी से करती है, बहुत ही अच्छी है, ऐसे कुछ कभी कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। और इसने 2 बार स्कॉलरशिप जीती है आशा मॉडर्न से। इस बार तो बहुत अच्छा है, सेकंड है ये अपने डिस्ट्रिक्ट में, सेकंड टॉपर रही है। मैं सूर्यवंश रजत चौधरी, अगस्ता कैट अकेडमी का मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर हूँ। इस बार हमारे बच्चों का रिजल्ट 10th क्लास में सलोनी सैनी 98.4%, 12th क्लास में आर्यन पुंडी फिजिक्स में 95 मार्क्स आए 100, और मैथ्स में भी उसके 90 मार्क्स है 100 में से, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है इस बार 10th का भी और 12th का भी। और ईपी बोर्ड का भी बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है, दीक्षा, मानवी, आकांक्षा, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनके बहुत अच्छे अच्छे परसेंट मार्क्स आए हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है 10th 12th का, यूपी बोर्ड का भी और CBSE बोर्ड का भी।